15 मिनट से जैम में फंसे हैं, अजीब ही जैम है, मतलब क्या ही जैम है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि आज हम जाएंगे सिपाहीजोरा जू, तो अभी निकल चुके हैं। तो आज मृणाल मेरे साथ नहीं जा रहा क्योंकि मृणाल को थोड़ा काम है एसडीएम ऑफिस में, उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए फोटो वोटो खिंचवाना है, तो वो तो चला गया एसडीएम। तो अब मैं अकेले निकल रहा हूँ यहाँ से, तो अभी यहाँ से जाएंगे बरतला टमटम से, फिर वहाँ से लेंगे बस। तो अगर आप सिपाहीजोरा जाना चाहते हैं तो आपको पहले बरतला आना पड़ेगा, लेकिन आपको बरतला से डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा नागरजला, जो कि सामने ही है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो हम वही जा रहे हैं। आज तो भाई भयंकर धूप है, बहुत गर्मी है भाई। तो ये हावड़ा नदी, कोलकाता वाली नहीं, अगरतला वाली हावड़ा नदी, काफ़ी छोटी है। तो हम नागरजला ट्रैफिक पॉइंट पहुँच गए और अब जाना पड़ेगा उधर नागरजला बस स्टैंड में, और वहाँ से बस लेनी पड़ेगी हमें। तो ये बस जाने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं माताबाड़ी लिखा है, मतलब ये सिपाहीजोरा पार करके जाएगी, तो हम इस बस में चढ़ेंगे। तो बस कितना भी खाली हो, मैं हमेशा आगे पीछे बैठता हूँ, ये मतलब मेरी फेवरेट सीट है, पीछे एकदम लास्ट वाली विंडो सीट, बिकॉज वी आर बैक बेंचर्स। और ये है नागरजला का मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट टू फ्लोर्स होंगे मॉल्स और ऊपर के होंगे फ्लैट्स, तो काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है। अभी बस निकलने में टाइम है क्योंकि अभी बस भरी हुई है पूरी तरह से, तो आई थिंक 15 मिनट लगेगी, उसके बाद शायद निकलेगी, तो टाइम लगेगा। अभी 11:15 बज रहे हैं, सॉरी अभी 11:30 बज रहे हैं, तो निकलते निकलते शायद 12 बज जाए और पहुँचाएगी करीब 12:45 बजे, 12:45 तक पहुँचा देगी हमें। तो गर्मी में रुमाल लाना भूल गया, अब पसीना कैसे पोंछूं। तो 15 मिनट बाद पहुँचे ड्रॉप गेट। तो यहाँ से उदयपुर है 52 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ड्रॉप गेट से 52 किलोमीटर। तो गाइस ये रेलवे स्टेशन का रोड, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, हम जा चुके हैं 2 बार, बहुत ही सुंदर, क्या मस्त आर्किटेक्चर किया गया है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अंदर से और भी बढ़िया, मतलब बनने वाली, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो गाइस बहुत बड़ी जैम में फंस गए, अभी काफ़ी लंबी जैम है, बहुत टाइम लगेगा, 15 मिनट से जैम में फंसे, अजीब ही जैम है, मतलब क्या ही जैम है, आज ही जैम होना था। तो इधर है गाइस, यहाँ से रोड जाती है ONGC के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये है गाइस इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड, यहाँ पे लिखा है, काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे भी आएंगे एक दिन, बहुत बढ़िया जगह है, वाह क्या आर्किटेक्चर है भाई, कसम से मस्त, काफ़ी स्टेडियम जैसा लग रहा है। तो ये है गाइस त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और हमारा कॉलेज इसी को एफिलिएटेड है, अभी देख सकते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, बहुत ही बढ़िया, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये तो लैम्बोर्गिनी चलाने वाली रोड है भाई, मस्त, क्या व्यू है भाई, मस्त व्यू। तो ये देखिए गाइस, त्रिपुरा जिस चीज़ के लिए फेमस है, टी गार्डन, अभी तो जंगल आ गए सॉरी, हाँ तो यहाँ से देखिए पूरे एकदम टी, पीछे जितने भी है सब टी, ये देखिए चाय की पत्तियाँ, चाय की खेती, बहुत ही सुंदर भाई, भयंकर जगह पे उतार दिया यार, जंगल में उतार दिया मेरे को, मिस हो गया सिपाहीजोरा और सामने है, मैं और आगे आ गया, मैं टाइम लगा, मुझे लगा थोड़ा दूर है, लेकिन ये बस तो पूरी स्पीड में थी और निकल गई, अब
पता नहीं ऐसे चल के जाना पड़ेगा, देखता हूँ कोई ऑटो आएगा तो ले लूँगा। भाई बहुत डर लग रहा है भयंकर, देखो पूरी जंगल है भाई, पता नहीं क्या ना क्या निकल के भाई खा जाए मुझे, बहुत डर लग रहा है। ओ भाई साहब आराम से भाई, ठोकेगा क्या, देखते हैं कोई ऑटो वाटो मिल जाए। तो गाइस फाइनली पहुंच गए सिपाही जला, यही है स्टेट जू। तो गाइस फाइनली पहुंच गए सिपाही जला, अब यहां से जाएंगे अंदर। तो अभी इस ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाऊंगा पूरा, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे सिपाही जला के अंदर का मतलब सीन कैसा है अंदर में। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो गाइस ये हमारा अगरतला का आईफिल टावर बहुत ऊंचा।